एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। और क्या सोचा था, क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, क्या क्या ख्वाब थे, क्या कुछ नहीं सोचा था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखेंगे फाइनल में जाकर। ओ माय गॉड, क्या मैच था आज का, क्या बोलें, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, कहाँ गलती हुई। स्कोर अच्छा कर लिया था लास्ट में जाकर, फिर भी इंडिया हार गया यार। कैसे हार गया, क्या करती है यार टीम, क्या करती है, एक विकेट नहीं गिरा मिला। इतनी गंदी हार का कभी सोचा नहीं था कि सेमीफाइनल में जाकर। इंग्लैंड क्या होमवर्क कर कर आया था, क्या कुछ तैयारी थी उसकी। स्कोर काफ़ी नहीं था, 200 का स्कोर मुझे लग रहा है आज काफ़ी नहीं था, बॉल्स बचा कर ले गए। देखते हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन इसके ऊपर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। मैंने कहा था कि आपने 169 रन बनाए, क्यों? क्योंकि एक खिलाड़ी ने आके हार्दिक पांड्या स्पेशली एंड में वो पांड्या ने बहुत सही स्कोर किया, 169 तक ले गए। लेकिन आपकी 60% 70% जो बैटिंग होती है हर मैच में वो 140 वाली होती है। और कभी सूर्य कुमार यादव पिछले 4 ओवर में आके यार 70 लगा दो, कभी हार्दिक पांड्या यार लास्ट 4 ओवर में 70 रन लगा दो, एक मैच में विराट ने 3 में 50 लगा दिए। हर मैच में आप ऐसे नहीं खेल सकते। आई थिंक ये आपका जो टेम्पलेट है T20 का, ये एक साल पहले ठीक आज ही के दिन शायद मैंने कहा था जब दुबई में हारे थे, इस टेम्पलेट को बदलने की जरूरत है। आपको टेम्पलेट कैसे बदलना है, आपको कभी कभी एक नई सोच लेकर आनी पड़ती है। आप आज आए हैं वर्ल्ड कप खेलने, उन्हीं खिलाड़ियों के साथ आए, तो जब वही खिलाड़ी वही सोच वही टेम्पलेट आपको पिछले साल वर्ल्ड कप नहीं दिला पाई, तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि इस बार वही खिलाड़ी वही टेम्पलेट वही सोच आपको वर्ल्ड कप दिला देगा। हाँ उम्मीद थी, ऐसा नहीं है। उम्मीद बहुत बड़ी थी, इंग्लैंड बड़ी टीम है, इंग्लैंड T20 अच्छा खेलता है, इंग्लैंड ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली थी गौरव जिस वो खेलते हैं, लेकिन आज खेली है, आज खेली है। द डे इट मैटर्ड बाबर रिजवान ने रन बना दिए ना, द डे इट मैटर्ड रोहित शर्मा के रन नहीं है, द डे इट मैटर्ड आपकी बैटिंग दब दब के खेली। और कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि अब जब आप बड़े, मानना क्या होगा, ये तो है ना कि जब आपका बड़ा दिन आता है, एक नॉकआउट गेम आता है, एक ऐसा मैच आ जाता है कि जी अब ना हमें फाइनल में जाना है, अब ये मैच जीतना ही जीतना है, उस दिन आपकी बैटिंग ही आपको लेट डाउन करती है। नहीं तो आप ओपनिंग पेयर से ही हम लेट डाउन हुए, ओपनिंग पेयर से बोल रहे हैं। आप ज्यादा जोश में है यार, नहीं यार बिल्कुल नहीं, पहले 10 ओवर जो खेले ना इन्होंने, दे शुड हैव, वी हैव टू चेंज आवर ओपनर्स, आई नो देयर इज अ बिग नेम रोहित शर्मा व्हाटएवर, दे हैव टू चेंज, दे हैव टू improvise more in T20. There's not a ODI game, there's not a test cricket. They have to play. बात बदल गए हैं, हालात बदल गए, वक्त बदल गया। Play accordingly. हाँ। बड़े नेशनल भाषा। अमेरिका से आ रहे हैं, मुझे एक बात बताइए। आप एक सेकंड, आराम से सबसे बात करें। ये सब वो फैंस हैं जो अंदर गए थे शाम को और ये कह रहे थे इंडिया पाकिस्तान को हराएगा फाइनल में। मैंने कहा भाई सेमीफाइनल का क्या होगा? वो तो जीत गए जी। कह रहे हैं आप लोगों की भी हार है, सही बात है भाई। इस दफा हमारे बेटर हाफ को लेके आए, वो हमारा लक बदल देगा। लक नहीं बदलना, वो लक नहीं। विक्रांत दोनों टीमों का अगर आप अंतर देखिए, विक्रांत आप इंग्लैंड के ओपनर्स को देखिए, वो 80 और 86 रन बनाते हैं। इंग्लैंड के ओपनर्स इतनी धुआंधार बैटिंग करते हैं, धुआंधार पावर प्ले में क्या रन मारे हैं उन्होंने यार, कहाँ 35-35 30-40 रन और कहाँ 70-80 रन यार। भाई साहब बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ इन क्रिकेट, केएल राहुल को बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पब्लिक गुस्से में केएल राहुल पर। मैं आपसे बस यही पूछता था कि हमारे ओपनर्स ही अगर फायर नहीं कर पाते तो सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पर आ जाता है, और हमारे ओपनर्स क्यों नहीं फायर कर पा रहे हैं? आप दोनों ही टीम्स की तुलना कर लीजिए, उनके ओपनर 80 और 86 रन बनाते हैं और हमारे ओपनर्स फायर नहीं कर पाते। अब ये सवाल तो उठेंगे, हैरानी तो है ना कि एक मैच नहीं है, सारे मैचों में आपका एक सलामी बल्लेबाज दूसरे तीसरे ओवर में बाहर आ जाता है। आप ये बताइए कौन से पार प्ले में आपने 6 में 60 लगाए, बट आपने पार प्ले में 6 में 60 खाए हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी खाए हैं, आज भी आपने बड़ी देखिए। अब गौरव आप अगेन
साढ़े तीन घंटे में क्या हो गया? रुक जाओ ऐसे मत यार, ऐसे ना अबे बोलने लायक नहीं बचे भाई, पागल हो गई पब्लिक यार, उनको बोलने भी नहीं दे। यार लड़ाई होने को तैयार है आपस में यार, वो एंकर को कम से कम करने तो दो। पाकिस्तान को हरा चुके थे और आप एक फिर से कर रहा है वो, ये मार ना खाए कहीं, क्या हरकत कर रहा है यार, मोबाइल ला रहा है इस टाइम, बहुत हालत खराब है। ठीक हमको गुस्सा और दुख साफ नजर आ रहा है। कहीं सवाल उठ रहे हैं कि ओपनिंग प्लेयर कुछ नहीं कर रहा है, इतने स्कोर नहीं कर पाता है। जाहिर सी बात है अभी तक सब जीत में था, बदला हुआ सब कुछ जीत रहे थे, तो कोई सवाल नहीं उठ रहा था। अब सवाल उठेंगे और मुंह नहीं रोक सकते आप किसी को कहने से, क्योंकि ऐसी हार हुई है कि एक विकेट नहीं ले पाए, जहाँ विकेट आ रहा था वहाँ कैचेस छूटी हैं, और अच्छे अच्छे बॉलर अश्विन शमी नहीं है जिसकी पिटाई नहीं लगाई हो, अश्विन शमी से लेकर हर बॉलर की पिटाई लगाई है, 16-17 रन, इतने रन दिए हैं, किसी ने कोई विकेट का चटकाने का कुछ नहीं किया। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को गालियां दे रहे हैं लोग एक दूसरे को, मतलब प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं, अभी इसमें भी बोल रहे थे कुछ उल्टा सीधा कि केएल राहुल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं कि वो तो बस ऐसे ही है टीम में। अब जो भी है टीम में थे तो कुछ करना था, ये तो उम्मीदें थी सबको, और पब्लिक जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में है, अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे यार, मुझे हंसी आ रही थी उस बंदे पे, वो बिल्कुल लड़ाई लड़ने वाली हरकतें कर रहा था, मतलब मोबाइल लगा रहा था उसके माइक पे, ये जो एंकरिंग कर रहे थे विक्रांत गुप्ता उनके, मतलब वो बोल रहे हैं अपने कैमरा पे बीच में, अब अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उनके बीच में वो मोबाइल लिया है बीच में, मतलब कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था उसके थप्पड़ पड़ेगा, लड़ाई हो सकती थी यहाँ पर। लेकिन जो भी है अभी फीलिंग्स ऐसी हैं, कुछ गुस्सा कुछ अजीब हरकतें, तो विक्रांत गुप्ता कह रहे थे मैंने किया है क्या, मैंने हराया है। तो अगर एनालिसिस देख रहे हैं आप इनके, तो कुछ ऐसा ही है कि स्कोर जो बाकी टीम है, चाहे बांग्लादेश हो, इतनी बड़ी टीम नहीं है, वो 60-70 रन 50-60 रन स्कोर करते हैं 6 ओवर में। इंग्लैंड की टीम है उसकी तो कहिए ही मत, आज क्या किया है उसने, आज इतना बुरा हाल किया है, इतना बुरा हाल किया है बॉलिंग का इंडिया की, बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया है। एंड ये सोचने वाली बात है भाई, जो स्कोर बनाना, टीम को संभालना, आगे तक ले जाना टुक टुक कर कर, वो स्कोर खड़ा नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं जाकर गिर जाते हैं या फिर एंड तक नहीं चलता है मामला। रोहित शर्मा का नहीं चला, विराट ने 50 करी, 50 के बाद फौरन आउट हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा कम बॉलों में ज़्यादा रन नहीं थे लेकिन ठीक थे, उन्होंने पारी को संभाला। सूर्य कुमार से वो नहीं चले, इंडिया पाकिस्तान का ख्वाब किसने नहीं देखा, सब ने देखा था, लेकिन हाँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि इंडिया हराएगा जाके, मतलब इंडिया तो पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान पहुंच गया तो क्या हुआ, इंडिया तो पहुंचा हुआ है अब हराएगा जाकर, तो सपोर्ट करो कि यस यू कैन डू इट, ये नहीं कि अरे पहुंच गए अब तो ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, इतना बुरा मारना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फिर। बाकी और कुछ नहीं कहूँगा, इस वीडियो को एंड कर